कोई इबादत गुजार हो या फिर गुनाहगार, अल्लाह से तो सबको मोहब्बत होती है, क्योंकि उसने हमें मोहब्बत से तख्लीक किया है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि कुछ ज़ुबान से अपनी और उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और कुछ को अल्लाह से मोहब्बत इतनी वसी हो जाती है कि उन्हें कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही अल्फाज मिलते हैं। मुझे लफ्ज़ों से बचपन से इश्क रहा है, मगर जब मैं अल्लाह के रूबरू जाता हूँ तो मेरे सभी लफ्ज़ दम तोड़ देते हैं। फिर मैं खुद से सवाल करता हूँ कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिससे मैं उसकी मोहब्बत का शुक्र अदा कर सकूँ। मैं तो सारी कायनात के लफ्ज़ भी इकट्ठे कर लूँ तब भी उसकी मोहब्बत का हक अदा ना हो सके। गलतियाँ तो सब करते हैं, नाफरमानी भी सभी करते हैं, गुनाह भी सभी करते हैं, मगर मोहब्बत अपनी जगह है और उस पर तो मोहब्बत तमाम है। उसके सिवा कोई मोहब्बत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। कहाँ हम सब की मोहब्बत और कहाँ उस वाहिद की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत का तो कोई मुकाबला नहीं। और उसका नाम लेना हम सब का हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता।